వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేస్తున్న రైతులను మోడీ ప్రభుత్వం అవమానిస్తోంది అన్నారు కాంగ్రెస్ నేత రణదీప్ సుర్జేవాలా. నలుగురు ఐదుగురు పారిశ్రామికవేత్తల కోసమే ఈ చట్టాలను తీసుకొచ్చారని ఆరోపించారు. గుజరాత్లో కొందరు రైతులను కలిసిన మోడీ ఢిల్లీలో రైతులను కలిసేందుకు అభ్యంతరం ఏంటని ప్రశ్నించారు. రాహుల్ గాంధీపై కక్ష ఉంటే ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు. కానీ వ్యవసాయ చట్టాలను మాత్రం రద్దు చేయాలని కోరారు. भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी निष्ठुर और निर्दयी क्यों बन गई है? मोदी सरकार सत्ता के अहंकार के घोड़े से उतरकर इस देश के खेत और कल्याण की कराहट कब सुनेगी? ये तीन काले कानून किसने कहा था भाजपा सरकार को बनाने को? चार या पांच उद्योगपतियों घरानों के कमरों में बैठकर बनाए गए खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ 65 करोड़ इस देश का किसान और मजदूर सड़कों पर है और मोदी सरकार चिट्ठियां लिखकर उनको गालियां देकर उन्हें देशद्रोही बताकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है कि जिन्होंने कभी हल्का मूठ पकड़कर देखा नहीं वो हमें खेती का ज्ञान दे रहे हैं. आदरणीय तोमर साहब का हम आदर करते हैं पर उनके तीन पिछले चुनावी एफिडेविट निकालिए तो आप ये पाएंगे कि उनके पास खेती की जमीन ही नहीं, उन्होंने कभी खेती की ही नहीं. दूसरे मंत्री जो किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं वो पीयूष गोयल जी हैं. ना उन्होंने हल्की मूठ पकड़ी ना ट्रैक्टर का हैंडल कभी पकड़ा. वो बता रहे हैं कि किसानों के लिए फायदेमंद क्या है और गलत क्या है. 24 किसान अन्नदाताओं की मौत का जिम्मेवार अगर कोई है तो वो मोदी सरकार है. प्रधानमंत्री कच्छ जाकर 5 भाजपा के सरकारी किसानों से तो बात कर सकते हैं पर दिल्ली की सीमा पर बैठे लाखों किसानों से क्यों नहीं? प्रधानमंत्री को समय क्यों नहीं मिलता? और यह पहली सरकार है जो जमाखोरों और काला बाजारियों की मदद में आकड़ी हुई है. यह कहते हैं कि 70 रुपए की दाल जब तक 140 रुपया किलो नहीं हो जाएगी तब तक सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी. क्यों सरकार महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं करेगी? किसान का आटा, किसान की गेहूं तो 19 रुपया किलो पर बिकती है. आपको आटा आपके दर्शकों को 30 रुपया किलो पर खुला आटा मिलता है, 50-60 रुपया ब्रांडेड आटा मिलता है. मोदी सरकार 25 लाख करोड़ का खेती का व्यापार देना चाहती है 4 उद्योगपतियों के हाथ में.